नमस्कार, आप देख रहे हैं विकी न्यूज, मैं अमित भोबिया। भारत पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा है वो सब कुछ आप जानते हैं। इस वक्त दोनों देश लगभग युद्ध के मैदान के करीब खड़े हैं और पाकिस्तान के मंत्री महोदय दिमागी तौर से पैदल हो गए हैं। अब उनके घर में बिजली चली जाए, बिजली आ जाए, करंट आ जाए, भैंस दूध ना दे, उनके मंत्री बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर बात का इल्जाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा देते हैं। जी हां, अब कुछ ऐसा ही हुआ है जो आज हम आपको बताएंगे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद साहिब को करंट आया था जब वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे और मोदी साहब को कोस रहे थे। हम तुम्हारी मोदी नीयतों से वाकिफ हैं, तुम्हारा रस कष्ट पुष्ट करंट लग गया। खैर कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है करंट आ गया। ये मोदी इस जलसे को नाकाम नहीं कर सकता। तो देखा आपने, ये पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद हैं। इनको सुनने वाले भी पाकिस्तानी, माइक भी पाकिस्तानी, बिजली भी पाकिस्तानी, लेकिन जब इनको करंट आया तो इन्होंने इल्जाम भारत पर लगा दिया। बोले कि ये नरेंद्र मोदी की साजिश है। शेख रशीद ने बयान दिया कि मैं भारत को बताना चाहता हूं कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपको नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान की हालत कैसी हो गई है। अब वहां के प्रधानमंत्री, मंत्री, शंत्री सब लोगों के दिमाग में बस मोदी मोदी का नाम ही गूंज रहा है। दरअसल हुआ यह था कि जब शेख रशीद साहब जनता को संबोधित कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी को कोस रहे थे, जैसे ही मोदी का नाम जुबान पर आया तो उन्हें करंट आ गया। अब उन्हें लगता है कि ये करंट भी मोदी साहब ने भेजा है। हम तुम्हारी मोदी नीयतों से वाकिफ हैं, तुम्हारा रस कष्ट पुष्ट। ये मोदी इस जलसे को नाकाम नहीं कर सकता। अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान की हालत कैसी हो गई है। इमरान खान और उनकी पूरी टीम दिन रात बस मोदी मोदी नाम की माला जपती रहती है। अब दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ही बताइए कि क्या पाकिस्तान के मंत्री दिमाग से पैदल हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।